मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर सुहानी पारेख, जो अपना खुद का ज्वेलरी लेबल मीशो चलाती हैं, उन्होंने नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर के गाला इवेंट में लोगों का ध्यान खींचा। NMACC के 3 दिवसीय लॉन्च इवेंट में हॉलीवुड, बॉलीवुड और कल्चरल आर्टिस्ट की मशहूर हस्तियों ने अपने जलवे बिखेरे। हालांकि सुहानी ने अपने लुक से हर किसी को हैरान कर दिया। सुहानी जो प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने अपनी डिजाइन की कला को दिखाया। उन्होंने 24 कैरेट गोल्ड बेली आर्मर पहना था और उसमें स्टाइलिश तरीके से अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया था। ये लुक इंटरनेट पर तुरंत हिट हो गया। 5 अप्रैल 2023 को सुहानी पारेख ने नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में सबसे यादगार रातों में से एक से अपने आश्चर्यजनक लुक की तस्वीरें पोस्ट की। सुहानी अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ हफ्तों में हैं। उन्होंने गाला नाइट में मेटालिक साड़ी में शिरकत की थी और 24 कैरेट के रियल गोल्ड बेली आर्मर में अपने बेबी बम्प को फ्लॉन्ट किया था। सुहानी ने आगे खुलासा किया कि मेटल बेली आर्मर पर टेक्सचरल डिटेल्स को उकेरा गया था और उस पर छोटे छोटे बच्चों के चेहरों की सोनोग्राफी फोटोज दिखाई गई थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, परिवर्तन की ये यात्रा बहुत प्रेरणादायक रही है। मेटल के आर्मर पर हमारे छोटे बच्चे के चेहरे की सोनोग्राफी पिक्चर्स बनाई हुई थी। मुझे अच्छा लगा कि वो भले ही अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो पहले से ही मीशो में आ गया था। फिलहाल रियल गोल्ड बेली आर्मर में सुहानी के बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करने के तरीके के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।